कुशीनगर जनपद के रामकोला में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा विश्व की सबसे ऊंची 81 फीट की भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा का निर्माण कराया जाएगा। इसके संबंध में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संयोजक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि यह प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, जिसके भूमि पूजन के लिए 16 नवंबर से 21 नवंबर तक 5 दिवसीय भगवान चित्रगुप्त महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर लतेंद्र कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, कंचन श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संयोजक मनीष श्रीवास्तव ने कहा, रतन सर ऐसा करिए सबका आ जाए। मनीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। आज ये प्रेस वार्ता किस संदर्भ में कर रहे हैं? यह प्रेस वार्ता अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजीकरण 2150 नई दिल्ली के द्वारा कुशीनगर जनपद में स्थापित हो रहे विश्व के सबसे बड़े भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति के संबंध में है, जिसको हम लोग 16 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के भगवान चित्रगुप्त महोत्सव के कार्यक्रम में भूमि पूजन के तौर पर करने जा रहे हैं। अगले यम द्वितीया के पहले यह विश्व की सबसे बड़ी भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति की स्थापित हो जाएगी। साथ ही साथ 21 महापुरुष जो कायस्थ समाज से आते हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जयप्रकाश नारायण जी, सिब्बन लाल सक्सेना जी, फिराक गोरखपुरी जी, प्रेमचंद जी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी, शांति स्वरूप भटनागर जी सरीखे हमारे समाज के महापुरुषों की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस परिसर में निशुल्क 12वीं स्तर तक का हम लोगों ने एक निशुल्क आवासीय छात्रावास के साथ में विद्यालय की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, जो सर्व समाज के लिए भी होगा। इस आयोजन के लिए, इस मूर्ति स्थापना के लिए हम लोगों ने सिर्फ 1 रुपये की केवल सहयोग राशि सभी सदस्यों से मांग की है। 1 रुपये से ऊपर हम लोग किसी भी तरीके की आर्थिक मदद हम लोग नहीं ले रहे हैं। और यह मूर्ति पूरे विश्व में कायस्थ समाज ही नहीं, सर्व समाज जो भी कलम लेखनी का मानता है, पाप पुण्य को मानता है और ये विश्वास करता है कि पाप पुण्य को कर अच्छे जो कर्म के साथ हमको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, उस कनेक्ट करता है उस सभी भगवान चित्रगुप्त जी को मानने वालों को यह एक मूर्ति को हमारा समर्पण होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और बिहार चुनाव में जो वर्तमान की परिस्थिति दिख रही है, हमारा संगठन जो मानता है हिंदुत्व एवं कायस्थ एक दूसरे का पूरक है, हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उपचुनाव में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उत्तर प्रदेश पूर्वी के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों ने यह तय किया कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कम से कम स्वामी विवेकानंद जी विचारधारा को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और अन्य प्रत्याशी जो निर्दल के तौर पे उतरेंगे, जो स्वामी विवेकानंद विचारधारा को लेकर चलेंगे, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बिहार चुनाव में बिहार कार्यकारिणी ने अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रत्याशियों के साथ जाने का एक निर्णय लिया है। साथ ही साथ अपराधियों, चरित्रहीनों और जो भी कायस्थ विरोधी या हिंदू विरोधी प्रत्याशी हैं, उनके साथ हम लोग नहीं चुनाव में वोट डालेंगे। हम लोगों का मानना है कायस्थ समाज उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और कई प्रदेशों में होते हुए करीब 11 करोड़ की आबादी में है। यह सही है कि कायस्थ समाज की उतनी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां पे ओम माथुर जी, जहां पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के परपोते जी को, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे विप्लव देव जी को प्रोजेक्ट किया, बिहार में अपने रविशंकर प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी के और केंद्रीय नेतृत्व में
केंद्रीय सरकार में टाटा 5 के लिस्ट के नेता हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी यह सही है कि जो भी सामाजिक संगठन के लोग काम करते हैं वो लोग राजनीतिक इच्छा शक्ति से काम नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे सभी कैडर कार्यकर्ताओं को भाजपा यदि मदद नहीं कर रही है तो हम लोग पार्टी के फोरम पे जाके यह जरूर अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर कार्यकर्ताओं को जगह दीजिए। और हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, खासकर गोरखपुर ही सही, पूर्वांचल के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, जहां पे पूरा देश उनको भविष्य का प्रधानमंत्री मान के चल रहा है, उनके ऊपर हम लोगों को एक विश्वास के तौर पर मानना पड़ेगा। कायस्थ उत्पीड़न की घटनाएं जो 2007 से लेकर 2017 में सैकड़ों की संख्या में हुई थी, उस पर लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने किया है। हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि छोटे छुटपुट बातों को छोड़ दिया जाए तो योगी सरकार मजबूती के साथ कायस्थ समाज की को मदद कर रही है। और ख़ासकर जब उत्तर प्रदेश में समस्त जातियों को लेके या समस्त परिवार को लेके सरकार का आगे बढ़ने का काम कर रही है, तो कायस्थ समाज जो कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानता रहा है, हम लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में भाजपा के कैडर कार्यकर्ताओं को पार्टी जगह देके उसको उचित दिशा में काम करेगी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गैर राजनीतिक संगठन है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक उत्प्रेरक की भूमिका में रहेगा। हमारे संगठन में राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ शख्स नहीं हो सकता है।